हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत दिन के बाद ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, बिकॉज आजकल थोड़ा सा मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, इसलिए इसके वजह से मैं ये ब्लॉग में डाल नहीं पा रहा था। बट अभी मैं न्यू दिल्ली से राजगीर जाने वाला हूँ, तो अभी मैं रेलवे स्टेशन के पास न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास। तो ये लगभग 6 मंथ्स के बाद ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो 6 मंथ्स थोड़ा सिचुएशन मेरा बहुत क्रिटिकल था और बहुत बिजी था मैं, इसके वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो अब ये मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास हूँ, और तो वो चलते हैं। मैं भी ये जो मेरा ट्रेन है उसे पता नहीं, अभी मैं जस्ट मोबाइल में चेक करके बताता हूँ आपको। श्रमजीवी एक्सप्रेस से भी मैं ट्रैवल करूँगा, मैं 3rd AC का टिकट लिया हूँ। सो चलते हैं आज का जर्नी का एक्सपीरियंस करते हैं कि आज का जर्नी कैसा होता है। तो लेट्स स्टार्ट इट। कुछ कुछ चेंज हो गया है स्टेशन पे, जैसे कि ये नया है, पहले नहीं था। और थोड़ा हल्का फुल्का मेकओवर किया गया स्टेशन का। तो अभी चलते हैं और अपना सामान उठाता हूँ और मिलते हैं प्लेटफॉर्म पे। ये ट्रेन श्रमजीवी एक्सप्रेस ये आ चुकी है। 10 मिनट पहले आया था, अपना बैग अंदर डाल चुका हूँ मैं, और बस कुछ खाने का स्नैक्स और पानी लेने वाला हूँ। चलते हैं कुछ खरीदते हैं पहले। बट अभी मैं यहाँ से कुछ पानी ले लेता हूँ और कुछ चिप्स वगैरह ले लेता हूँ। सो एक पानी का बोतल दीजिएगा भैया। कितना हो गया? ठंडा होगा। पानी का बॉटल खरीद चुका हूँ मैं, कुछ बिस्किट और चिप्स लेता हूँ। एक हाइडन सी देना भैया। ले चुका हूँ चिप्स कुरकुरे और एक हाइडन सी और एक बॉटल पानी का बॉटल। तो ये रहा मेरा B1 कोच। तो चलते हैं और अंदर चलते हैं। बहुत गर्मी लग रही है, AC चालू हुआ है कि नहीं पता नहीं, जब इंटर किया था तो उसमें चालू नहीं था। बट अभी देखते हैं, कूलिंग हो गया होगा। ये रहा डब्बा, अपना कुछ खास नहीं है। फिर भी सही है, चलेगा। 51 ट्रेन है जो सही टाइम पर खुल चुकी है, और 1:10 में खुला था एग्जैक्टली, 1:10 में ये ओपन चल पड़ी है। सो देखते हैं ट्रेन ऑन द टाइम चलती है या नहीं। बाय बाय दिल्ली, पता नहीं कब मिलेंगे फिर। वन ईयर हो गया दिल्ली में, फाइनली मैं दिल्ली को छोड़ के जा रहा हूँ।
once again. Bye, Daddy. मेरा जर्नी का पहला रेलवे स्टेशन है एंड ये जर्नी का गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। सो फर्स्ट रेलवे स्टेशन जो दिल्ली के बाद है वो रीच कर चुका हूं अभी, और ये गाजियाबाद रेलवे स्टेशन है। गाजियाबाद जैक्सन सो पहला रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। ट्रेन गाजियाबाद से निकल रही है। ये है सेकंड रेलवे स्टेशन मुरादाबाद। गाजियाबाद के बाद मुरादाबाद। और अभी मैं नीचे यहाँ उतरा हूँ। यहाँ से 32 दिल्ली से लेके 32 रेलवे स्टेशन पड़ेगा, जिसमें से ये सेकंड रेलवे स्टेशन है। 2 घंटे के बाद मुरादाबाद जंक्शन पहुँचाऊँगा। आलू है सिर्फ, ठीक है। 2 पेड़ ये क्या अभी? ये गोप्रो है। गोप्रो है, कितना हो गया? 40 काम आ रहा है। ये वीडियो बना रहा हूँ। पेड़ीज ले लिया हूँ भाई, समोसा ढूंढते 4-5 जगह गया बट मिला नहीं, तो खाना मैं ख़रीदा नहीं था तो पेड़ी से खरीद लिया। मुरादाबाद जंक्शन से ट्रेन निकल चुकी है और ये है मुरादाबाद। सेकंड स्टॉप इज फर्स्ट गाजियाबाद था, सेकंड मुरादाबाद, और थर्ड दिल्ली। मुरादाबाद स्टेशन पार हो चुका, नेक्स्ट स्टेशन बरेली। मुरादाबाद जंक्शन जैक्सन। थर्ड स्टॉपेज है। मुझे फ्रूट भी नहीं मिल रहा है यार। पिछले स्टेशन पे समोसा ढूंढ रहा था या कुछ खाना, अभी ढंग का नहीं मिला। और अभी सोचा कुछ फ्रूट ले लूँ, वो भी नहीं मिल रहा है।
दाल अंडा एंड चपाती ये मिला। सो टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। चाहिए गाड़ी और लखनऊ रेलवे स्टेशन का व्यू कुछ ऐसा है क्या, अराउंड 400-500 समथिंग किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। 490 किलोमीटर दिल्ली से अभी तक। 1, 2, 3, 4 ये फिफ्थ स्टेशन है। बट जितना भी स्टेशन पे रुकी थी गाड़ी वो स्टेशन कुछ खास नहीं था। बट ये लखनऊ का रेलवे स्टेशन थोड़ा लगा है कि हाँ रेलवे स्टेशन है, बस कैपिटल सिटी है तो देखने में कुछ खास रहेगा ही रहेगा। सो चलते हैं फिर रुकूँ नहीं तो डायरेक्ट वाराणसी जंक्शन पे रुकूँगा दीनदयाल उपाध्याय, उसके बाद फिर आराम किया जाएगा। सो चलते हैं अभी अपने सीट पे। अभी मैं वाराणसी जंक्शन पे हूँ, 2:30 बज रही है, सो गया था मैं, अचानक नींद खुला तो पता चला कि वाराणसी में हूँ। ये वाराणसी जंक्शन है, आगे चल के देखता हूँ। ट्रेन है भाई दानापुर आनंद विहार, आनंद विहार माई ट्रेन इज देयर। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे खड़ा है गाड़ी। चलते हैं आगे, प्राप्ति हो चुकी है बहुत बहुत देरी से खड़ा है ट्रेन, अब खुलने वाली है। मैं भी वाराणसी जंक्शन, इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय। ट्रेन लॉक कर दी है उधर से बाहर गया तो अगर कुछ ज्यादा तो प्रॉब्लम हो जाती है। अंदर आ गया हूँ। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यहाँ से ट्रेन खुल चुकी है। पहुँच चुका हूँ, यहाँ से करीब 100 किलोमीटर का डिस्टेंस या 70 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। बाइक देख के उसको बताता हूँ। कल रात खाना जो खाया था गैस हो गया पेट में यार,
देखना पड़ेगा मुझे। कैन होगा आपके पास? स्प्राइट दीजिएगा, स्प्राइट भैया 20 रुपये। कैन खरीद चुका हूँ मैं, तो चलते हैं अंदर। राजेंद्र नगर टर्मिनल, उसके बाद डायरेक्ट राजगीर टू माई डेस्टिनेशन, जहाँ पे जाना है। तो कैन एक ले चुका हूँ। नालंदा पहुँच चुका हूँ मैं। ये बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। और आपकी जर्नी बहुत बेकार जर्नी था, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मैं कभी और पहले फील नहीं किया हूँ। बट इस जो ये ट्रेन से मैं आया हूँ, बहुत बुरा मतलब एक्सपीरियंस था। तो ये मैं राजगीर पहुँच गया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।